नमस्कार, आप देख रहे हैं बागमती न्यूज इंडिया। मैं हूं दिनेश सहनी आज़ाद गांधी। आज हमारे बागमती न्यूज के कार्यालय के उद्घाटन में जेडीयू नेता युवा नेता प्रभात किरण जी आए हैं। आज इनसे बिहार के कुछ मुद्दों पर जो है सो पूछते हैं। सर, स्वागत है आपका बागमती न्यूज में। हमें लगता है कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर जो है सो बहुत काम होना ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से काम हो रहा है, बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। आज आप अखबारों में पढ़े होंगे सवेरे कि सरकार ने कैबिनेट की बैठक करके डिसीजन लिया कि जितना भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है बिहार में उसमें आधी सीटें गरीब विद्यार्थियों को दी जाएगी और उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज की जो शुल्क है उतने ही शुल्क पर उनकी पढ़ाई होगी मेडिकल कॉलेज। तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही है जो महागठबंधन की सरकार है और यह संदेश पूरे देश में जा रहा है। तो ये भी सुनते हैं कि नीतीश कुमार जी अब जो 2025 में जो चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा सुनने में आया है। तो क्या आप लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व को भी स्वीकार कर सकते हैं? उत्तरी नेतृत्व की बात है कि नेतृत्व किनको देंगे या क्यों नहीं। अभी तो हम लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो हमको क्या आपत्ति हो सकती है? तेजस्वी यादव अच्छे हैं, समाजवादी धारा से उपजे हुए लोग हैं, नौजवान नेतृत्व हैं, उनसे हम लोगों को बहुत आशा है कि बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। और 2024 की क्या तैयारी हो रही है महागठबंधन? 2024 की हम लोगों की तैयारी है कि चूंकि बिहार में जो सपना था हम लोगों के नेता, जो समाजवादी धारा के प्रनेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी कल्पना थी कि गांव में जो सबसे अंतिम पायदान पर बैठा आदमी है, जो सबसे बैक फुट पर है, जिस जहां तक सरकार की विकास की रोशनी नहीं जा रही है, उन टोलों तक रास्ता पहुंचाना, उस टोले में स्कूल बनाना, उस टोले में शिक्षा का विस्तार करना, उस टोले के नौजवानों को रोजगार देना, बल्कि जो इस देश का अति पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जिसको सत्ता में बराबरी का हक नहीं मिला, उसको पंचायती राज जैसी संस्थाओं में आरक्षण देकर के महिलाओं को पंचायती